अब इन दर्दनाशक क्रीम, मलहम, स्प्रे, लोशन, जेल का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी हैं? सबसे पहले तो आप जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं केवल विज्ञापनों पर आकर्षित हो उन्हें इस्तेमाल ना करें। उस क्रीम के साथ दिए गए पैकेट में उसके इस्तेमाल संबंधी सारी सूचना दी हुई होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, किन लोगों ने उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यह भी लिखा होता है। उन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें ताकि आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या घातक परिणाम ना भोगने पड़ें। इन सारी दवाओं को लगाने से पूर्व कुछ सावधानियां बरतनी हैं। इन्हें कभी भी खुले हुए जख्म या फिर मुंह, आंख, नाक के भीतर या गुदा के आसपास, मतलब जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या नाजुक त्वचा होती है वहां ना लगाएं, क्योंकि इससे उनके रिएक्शन होने का या उनके दुष्परिणामों का खतरा होता है। इसके अलावा आप इन क्रीम को लगाने के बाद उस जगह को ना तो सेंकें, बर्फ़ से भी नहीं, और किसी गर्म पैड या हॉट वाटर बैग से भी, क्योंकि इससे वहाँ का भाग जल जाने की आशंका होती है या ये दवा के खून में मिलकर दुष्परिणाम पैदा करने की भी आशंका होती है। इन क्रीमों को आपके जननांगों के संपर्क में भी ना आने दें। लगाते वक्त हमेशा या तो ग्लव्स पहने या हाथ अच्छे से धोकर इन्हें लगाएं और लगाने के बाद फिर से हाथ अच्छी तरह से धो लें। यदि इसको लगाने के तुरंत बाद आपको वहाँ पर बहुत तीव्र जलन होती है या भाग लाल होता है या आपको खुजली महसूस होती है तो तुरंत ही गीले टॉवल से, तौलिए से वो क्रीम को पूरी तरह से पोंछ दें और उसे डॉक्टर को दिखाए बिना दोबारा ना लगाएं। उसी तरह इन दवाइयों को लगातार 7 दिन से ज़्यादा समय तक ना लगाएं, क्योंकि यदि इन्हें असर करना है तो यह उतने दिन में अपना असर कर देंगी। यदि 7 दिन के लगाने के बावजूद भी आपको दर्द बना रहता है या बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, या तो हड्डी टूट गई है या कोई वहाँ की मसल टूट गई, कट गई है, या वहाँ के जोड़ों में कुछ विकार उत्पन्न हो गया है, और ऐसे अवस्था में उसे ज़्यादा दिन लगाने से आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो यदि 1 सप्ताह में आपको राहत नहीं मिलती है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अब ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें भी यह लोशन, क्रीम, मलहम या स्प्रे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो अंदरूनी चोट लग जाने पर तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा के भाग दौड़ की वजह से कमर, पीठ के दर्द, हाथ पैरों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस, गाउट, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस और कई प्रकार के जीर्ण जोड़ों के रोगों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये कुछ फ़ायदा ना भी करें तो भी इनको लगाने से कोई विशेष नुकसान नहीं है। और चूंकि ये सारी बीमारियाँ एक जीर्ण या क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं जिसमें व्यक्ति अनेकन प्रयोग कर अपना दर्द और तकलीफ़ कम करने की कोशिश करता है, तो ये सभी चीज़ें आप इन परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो क्रॉनिक पेन है, कैंसर का पेन है, नर्व से जुड़ा हुआ पेन है, उसमें ये दवाइयाँ बहुत अधिक काम नहीं करती। यदि आप इस तरह की कोई क्रीम, जेल, स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपका पहला मौका है जब आपने ये इस्तेमाल करना है, तो बेहतर होगा कि उंगली पर
थोड़ी सी क्रीम या जेल लेकर आप एक अपनी नॉर्मल स्किन पर उसको लगाकर कुछ देर उसका निरीक्षण करें। यदि वह जगह लाल हो जाती है, अत्यधिक खुजली आती है, वहाँ जलन होती है या आपको अस्वस्थ महसूस होता है, तो भूलकर भी इस क्रीम, इस दवा को आपके रोगग्रस्त भाग में ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको उसके घातक दुष्परिणाम देखने में मिल सकते हैं। उसी तरह जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी इस तरह की क्रीम या जेल अपनी मर्ज़ी से लगाना नहीं है। अब हम बात करते हैं ठंडे या गर्म की सिकाई के बारे में। अक्सर दर्द होने पर या कई किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हमें उस दर्दयुक्त भाग को सेंकने की हिदायत दी जाती है या सलाह दी जाती है, और फिर हम आवश्यकता अनुसार उसे ठंडे कॉम्प्रेसर से या किसी गर्म चीज़ से उसकी सिकाई करते हैं और इससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। अब ये ठंडा कैसे काम करता है? जब आपके अपने त्वचा पर कोई ठंडी वस्तु टच करते हैं, लगाते हैं, तो वह भाग सुन्न हो जाता है, उसमें नंबनेस आ जाता है, वहाँ की जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके वजह से आपको दर्द में कमी महसूस होती है। उसी तरह ठंड लगाने से वहाँ का खून का दौरा कम हो जाता है, वहाँ की खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे सूजन और दर्द में राहत मिलती है। अब यह ठंडी सिकाई आप आइस पैक से या बाज़ार में मिलने वाले कमर्शियल आइस पैक से या बर्फ़ के टुकड़े को कुचलकर टॉवेल या रुमाल में लपेटकर एक पोटली बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह एक बहुत आसान और घरेलू तरीका है। और यदि आपके पास कोई क्रीम या दवा तुरंत उपलब्ध न हो तो आप यह उपाय सबसे पहले कर सकते हैं। बात आती है गर्म सिकाई की, तो यह तो हम सभी ने कभी न कभी गर्म चीज़ से सिकाई की है। जब किसी गर्म वस्तु का हमारे शरीर के साथ संपर्क होता है तो वहाँ की खून की नसें फैल जाती हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है, उस भाग में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचता है और वहाँ के दूषित पदार्थ जल्दी वहाँ से हट जाते हैं। इसके अलावा यदि हम साथ में कोई दवा मुंह से भी खा रहे हैं तो खून की नसें बड़ी हो जाने के वजह से, खून का दौरा बढ़ जाने से, वे दवाइयाँ बेहतर तरीके से उस चोटग्रस्त या रोगग्रस्त भाग पे पहुँचती है और अपना बेहतर असर दिखाती है। अब गर्म सिकाई के कौन कौन से तरीके हैं? हम सभी हॉट वाटर बैग से परिचित हैं। जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है वे किसी भी कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उसे लपेटकर भी सिकाई कर सकते हैं। बाज़ार में रेडीमेड हीटिंग पैड मिलते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का जेल होता है जो गर्म हो जाने के बाद काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है, इससे आप काफ़ी देर तक सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कॉइल वाले हीटिंग पैड भी आते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसका तापमान कम या अधिक कर सकते हैं। गर्म सिकाई के और तरीके हैं कि यदि आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़े हो जाएं। यदि आपको गुदा स्थान पर या बच्चे दानी के आसपास के भागों में, वजाइना में पेन है तो आप गर्म पानी के टब में बैठ के सिकाई कर सकते हैं। आपके सिर्फ पैरों में या पिंडलियों में दर्द है तो आप एक बाल्टी में गर्म पानी लेके उसमें पैर डालकर बैठ सकते हैं। तो ये
कई तरीके हैं जिससे आपके शरीर को आप गर्मी दिला सकते हैं। अब ये ठंडी या गर्म चीज से सिकाई करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी हैं? इन्हें 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ना करें। इन्हें खुले हुए जख्मों पर ना करें। बेहतर होगा कि आप सिकाई करने वाले भाग और सिकाई करने के माध्यम के बीच में एक टॉवेल या रुमाल रखें, ताकि उस चीज़ का सीधा संपर्क आपकी त्वचा से ना आए। हीटिंग पैड इस्तेमाल करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है कि आप उसका टेम्परेचर इतना ना बढ़ाएं कि वह त्वचा जल जाए या आपको उसका करंट लगे। बेहतर होगा कि सिकाई करने से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का आप टेम्परेचर उंगली डालकर देख लें कि वह बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं है। उसी तरह गर्म पानी का शॉवर लेते समय अत्यधिक गर्म पानी ना लें, क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं या बेहोशी हो सकती है। और गर्म सिकाई के वक्त कोई क्रीम, लोशन या मलहम न लगाएं, जिससे या तो वह त्वचा वहाँ की जल जाएगी, उसमें इरिटेशन होगा, एलर्जी होगी, या वह दवा ज़्यादा मात्रा में शरीर में एब्जॉर्ब होगी, जिससे उसके दुष्परिणाम होंगे। जेल, क्रीम, लोशन और स्प्रे, इनमें सबसे ज़्यादा कौन असर करता है? तो देखा यह गया है कि जेल का असर बाकी सभी चीज़ों के बनिस्बत बेहतर होता है, क्योंकि यह वाटर बेस्ड होता है। इसके वजह से त्वचा के अंदर जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है और ज़्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से असर करता है। वहीं स्प्रे का असर सबसे कम होता है, क्योंकि आप उसको सिर्फ लगाते हैं, स्प्रे करते हैं और वह फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। क्रीम और मलहम या लोशन लगाने के बाद यदि आप उससे मालिश करते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसका असर बढ़ जाता है। इसी के साथ में मालिश करने से वहाँ की सूजन भी कम होती है, मांसपेशियाँ टोन अप हो जाती हैं। तो अपने अपने तौर से ये सभी दवाइयाँ असर करती हैं। और अंत में कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई में ये सारे क्रीम, लोशन, मरहम, स्प्रे, पैचेस उपयोगी हैं, काम करते हैं, असर करते हैं, या केवल ये महज विज्ञापनों की दुनिया के खेल हैं, मरीज को बहकाया जाता है और ये कुछ ही मात्रा में राहत देती हैं। तो अनेक प्रकार की स्टडीज़ हुई हैं, जिनमें कुछ में यह निष्कर्ष निकला है कि आप चाहे कोई भी इस तरह की दवा युक्त क्रीम मलहम लगाएं या बिना दवा के कोई सादी क्रीम मलहम लगाएं, उनके दोनों के असर करीब करीब समान हैं। कुछ स्टडीज़ में यह भी पाया गया है कि ये दवाइयां वाकई में असर करती हैं और इनके डेफिनेटली क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, मरीजों को में सेटिस्फेक्शन होता है। तो यह बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लगाइए। यदि आपको राहत मिलती है तो मानिए कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं। अगर आपको राहत नहीं मिलती है तो आज समझ लीजिए कि ये एक महज छलावा है या दिल को बहलाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा है।